हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। तो जैसा CHSL 2018 के लिए कई कमेंट्स में मुझे पूछे जा रहे थे कि क्या इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और टाइपिंग टेस्ट की रिजल्ट की संभावना क्या है, और सारी अनसर्टेनिटी थी SSC में, बट फिर भी ये अंदाज़ा था कि विद इन ए मंथ इसका रिज़ल्ट आ सकता है। तो गाइज़, इसका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है CHSL का टाइपिंग टेस्ट का, और बहुत जल्द इसका फाइनल रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो गाइज़, ये इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पॉर्टेंट इस इन्फॉर्मेशन में ये है कि EWS कैटेगरीज़ को रिजर्व कैटेगरीज़ जो होते हैं उनके इक्विवेलेंट टाइपिंग टेस्ट एरर का मार्जिन दिया गया है, यानी कि 7% और 10%। इससे ये पता चलता है क्लियर कि स्टेनोग्राफी का जो भी शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होगा आने वाले टाइम में, जो EWS कैटेगरीज़ के लिए रिक्रूटमेंट हुई है 2019 और 2020 के लिए, उसमें EWS कैटेगरीज़ को भी इतना ही इक्विवेलेंट मार्जिन मिलेगा। ग्रेड डी के लिए 10% और ग्रेड सी के लिए 7%। इसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। तो गाइज, टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट में टोटल 17,718 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है, और अनरिजर्व कैटेगरीज़ में 3,458 कैंडिडेट्स हैं। तो गाइज, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।